हेलो, आप मेरे चैनल पर पुराने हो तो लाइक करें, नए हो तो सब्सक्राइब करें। मैं सुजीत आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ भगवद गीता शुरू से अंत तक। श्री कृष्ण कहते हैं, हे कुंती पुत्र, सुख दुख कभी सदा के लिए नहीं रहते हैं, मौसम की तरह यह भी बदलते रहते हैं, इसलिए इससे बेचैन मत हो, क्योंकि जो सुख दुख को समान समझता है वो किसी भी परिस्थिति में व्याकुल नहीं होता, उसके मन में हलचल नहीं होती और असल में वही मुक्ति पाने के योग्य होता है। यही बात भावनाओं पर भी लागू होती है। सत्य और असत्य में फर्क को समझना ही हमें सही फैसले लेने में मदद करता है। सत्य का कभी नाश नहीं हो सकता और असत्य कभी हमेशा के लिए टिका नहीं रह सकता। ये शरीर असत्य है, इसका विनाश होना तो तय है। तू उसकी चिंता कर जो अनंत और शाश्वत है, सत्य है, जिसे आत्मा कहते हैं, जो इस शरीर के अंदर वास करती है। इसलिए तू निर्भय होकर, इस श्लोक में ये समझाने की कोशिश की गई है कि जीवन में सुख दुख का आना जाना लगातार बना रहता है, कभी सुख आता है कभी दुख आता है, ये एक अंतहीन सिलसिला है। और अगर इंसान इसी में फंसा रहेगा तो उसका जीवन यूं ही निकल जाएगा। असल में परिस्थिति सुख और दुख पैदा नहीं करते, बल्कि हम उसे किस नज़रिए से देखते हैं वो सुख या दुख का कारण बनता है। सुख दुख हमारे इंद्रियों के कारण पैदा होती है। जो चीज़ हमें अच्छी लगती है, हमारे अनुसार होती है, हम उस सुख का नाम दे देते हैं। जो चीज़ हमें पसंद ना आए या जिसके लिए संघर्ष करना पड़े, हम उसे दुख का नाम दे देते हैं। ये सिर्फ हमारी इंद्रियों का खेल है और अक्सर हम इन इंद्रियों की पसंद नापसंद में फंसकर अटक जाते हैं। अगर हम सुख से मिलने वाली खुशी और अहंकार या दुख से मिलने वाली तकलीफ में ही फंसे रहेंगे तो जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए सुख और दुख दोनों को स्वीकार करो। चाहे सुख हो या दुख हो, मन की स्थिति को हमेशा समान बनाए रखो। न खुद में अहंकार आने दो, न दुख में मन को भारी और निराश होने दो। परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है, इसे स्वीकार करो, क्योंकि हम खुद को अपनी इच्छाओं, डर और विकारों से तभी मुक्त कर सकते हैं जब हम सुख और दुख दोनों को समान समझने लगें। जिस मनुष्य को कोई परिस्थिति विचलित नहीं कर सकती, वही जीवन के सफर में सही फैसले ले सकता है। सुख दुख को समान समझने के बाद ही हम में ठहराव आता है, हमारा मन शांत होता है, और एक शांत मन ही इंसान को सही रास्ता दिखा सकता है। यहाँ सत और असत के बीच का फर्क भी समझाया गया है। जिस चीज़ में भी बदलाव आ जाए उसे असत कहा गया है, यानी प्रकृति से बनी हर चीज़ जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं या जिसका कोई आकार है, वो सब एक न एक दिन मिट जाएंगे। हमारे ख्याल, इच्छाएं, ये शरीर, इन सब में भी लगातार बदलाव होते रहते हैं। यही सत्य ज्ञान है। ज्ञान को सत्य भी कहा गया है और आत्मा को भी सत्य कहा गया है। जब आत्मा को इस सत्य का परिचय होता है, तब वो अपने सच्चे स्वरूप को अनुभव यानी एक्सपीरियंस करती है और शरीर और इंद्रियों की गुलामी से खुद को मुक्त करती है। हम बंधन में तब आते हैं, बेचैन तब होते हैं, जब हम इन नाश होने वाली चीज़ों से लगाव करने लगते हैं। मुक्ति का असली मतलब है सत्य को जानना, यानी आत्मा के सच्चे स्वरूप को जानना। वो सत्य जिसका अस्तित्व है, जो निराकार है, जो सब कुछ अपने में समेटे हुए हैं, उस भाव में टिक जाना कि हम आत्मा हैं और इसका कभी नाश नहीं हो सकता, इसे ही आत्म अनुभूति या सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं। इस अनुभूति के बिना इंसान खुद को शरीर यानी मर जाने वाला ही समझता रहता है और सब कुछ इस शरीर के लिए ही करता रहता है। मौत से डरता है, डर में जीता है, लगाव और मोह में फंसा रहता है। इसी शरीर के लिए चीज़ें, रुपया पैसा इकट्ठा करने के लोभ लालच में जकड़ा रहता है और शरीर को मिले रंग रूप, पद पोजीशन के चलते या तो अभिमान या हीन भावना में जीता रहता है। जबकि सच ये है कि हाड़ मांस का पुतला शरीर नहीं है, बल्कि आत्मा है। शरीर तो कर्म करने का एक साधन है। जैसे एक रोबोट बिना सॉफ्टवेयर के नहीं चल सकता, वैसे ही शरीर
बिना एनर्जी यानी आत्मा के नहीं चल सकता। हे कुंती नंदन, ये आत्मा ना किसी को मारती है और न ही कोई इसे मार सकता है। हाँ, इस शरीर को मारा जा सकता है, लेकिन आत्मा को कभी नहीं। आत्मा तो अजर है, अमर है। न ये किसी काल में जन्म लेती है, न मरती है। इसे नष्ट नहीं किया जा सकता। जैसे मनुष्य पुराने कपड़े छोड़कर नए कपड़ा धारण करता है, वैसे ही आत्मा नया शरीर धारण करती है। आत्मा को न अस्त्र शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, न पानी गला सकती है, और न ही वायु सुखा सकती है। आत्मा को देखा नहीं जा सकता। इसमें कभी बदलाव नहीं होता। आत्मा तो परम शुद्ध है, इसमें कोई विकार भी नहीं होता। इस श्लोक में आत्मा के स्वरूप के बारे में बताया गया है। आत्मा काल से परे है, क्योंकि इसका निर्माण प्रकृति से नहीं हुआ है, इसलिए इसे नष्ट करना भी संभव नहीं है। नष्ट वो होते हैं जो इस प्रकृति से बने हैं। कोई चीज नष्ट तब होती है जब उसका कोई साकार रूप होता है, जिसे हम इन इंद्रियों द्वारा देख सकते हैं, लेकिन आत्मा को देखा नहीं जा सकता है। जो साकार ही नहीं है, उसे कोई कैसे मारेगा? आत्मा के माध्यम से ही ये शरीर इंद्रियां सब चल रहे हैं। जब आत्मा शरीर को छोड़ देती है तो मृत्यु की अवस्था कहलाती है। यह आत्मा हर एक जीव में मौजूद है, इसलिए हम सभी एक तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है मौत का डर, और ये डर उसे आगे बढ़ने नहीं देता। मौत से डरने की नहीं, बल्कि उसे समझने की ज़रूरत है, क्योंकि मौत शरीर को आती है, और ये एक अटल सच है। वो तो होना ही है। जब सेल्फ यानी रियलाइजेशन के बाद खुद को आत्मा मान लेते हैं, तो समझ जाते हैं कि मैं यानी आत्मा अजर अमर अविनाशी हूँ, और ये शरीर नाशवान है। इसका नष्ट होना तो तय है। असल में मर जाने का असली मतलब होता है बदलाव की प्रक्रिया। मनुष्य इस बदलाव से इसलिए डरता है, दुखी होता है, क्योंकि वो खुद को शरीर मानने की भूल करता है। इसलिए ये ज़रूरी है कि मौत से घबराओ मत। इस कभी न टलने वाले सच को स्वीकार करो, क्योंकि सच को स्वीकार करने से मौत का डर इंसान के मन से निकल जाता है। अगर इंसान के मन से डर निकल जाए तो वो निर्भय हो जाएगा और बेखौफ होकर अपना कर्म कर पाएगा। यहाँ बेखौफ होने का मतलब है कि मरने के डर से कई बार हम अपने जिम्मेदारियों से पीछे हट जाते हैं, और डर इंसान की मानसिक और बौद्धिक शक्तियों को खत्म कर देता है, यानी सोचने समझने की शक्ति भी खत्म कर देता है, जिस कारण उसके कर्म बिगड़ने लगते हैं, और फिर इंसान को कर्म के अनुसार फल भी सजा के रूप में भुगतने पड़ते हैं। यह ज्ञान कर्मों की ही समझ देता है। एक डरा हुआ मन कभी भी सही कर्म और फैसला नहीं कर सकता। इसलिए सबसे पहले भगवान हमें मौत के डर से मुक्त करते हैं और निर्भय यानी बेखौफ बनाते हैं।